नमस्ते दर्शक, मेरा नाम विकास है। आइए हम आपको रजरप्पा मंदिर के सोमवारी के दर्शन करवाते हैं। मतलब सावन के महीना में किस तरह की श्रद्धालुओं का भीड़ लगता है और बाकी समय में कैसा रहता है, दर्शन करवाते हैं। आइए, यहाँ कुछ श्रद्धालु से आपकी मुलाकात करवाते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मनीष कुमार। कहाँ से आप? हम आए हैं पटना बिहार, बिहटा जगह है मेरा। मतलब गांव बिला आप है। यहाँ रजरप्पा पहली बार आ रहे क्या? नहीं, ये लगा के हम लोग 4 से 5 बार आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आप मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो देवघर वगैरह से आ रहे हैं, तो आप भी क्या वैसा ही कुछ? हाँ, इससे पहले सबसे पहले हमें स्टार्ट किया अपने गांव के मंदिर से। अच्छा, फिर उसके बाद बखोरापुर का नाम सुने होंगे आप लोग, बखोरापुर। फिर आपका बनारस गए, काशी विश्वनाथ। वहाँ से फिर विंध्याचल आए, विंध्याचल से फिर हम लोग आए हैं, मुंडेश्वरी माता का दर्शन किए, गुप्ता धाम का दर्शन किए हैं, ताराचंडी का दर्शन किए। अभी यहाँ हम लोग आए हैं, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, रजरप्पा माता का दर्शन करके अब घर की ओर प्रस्थान करेंगे। इसके बाद देवघर या कहीं और नहीं जाना चाहेंगे? टाइम नहीं है भाई, जाना तो दिल तो कर रहा है लेकिन समय नहीं है। पहले से बहुत पहले अच्छा। से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब यहाँ की व्यवस्था में कुछ सुधार चाहिए? पहले तो रोड बहुत आवागमन का सुविधा बहुत अच्छा हो गया। पहले बहुत टाइम लगता था, बहुत टाइम लगता था, अभी आवागमन का सुविधा बहुत अच्छा हो गया। पहले और एक माता का मंदिर था। आपका साफ सफाई भी पहले से बहुत अच्छा है, व्यवस्था सारा अच्छा है, इसीलिए तो हम लोग एक मंदिर घूम के आते, हर बार आते हैं तो दर्शन करके ही जाते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग कितने लोग के ग्रुप में हैं? हम लोग यहाँ पर हैं 8 मेंबर हैं। तो आप जैसे कि बता रहे हैं, आपने 9-10 धाम का नाम बताया होंगे, तो आप लोग मतलब कितने दिन पहले निकले होंगे? ये हम लोग 15 तारीख के निकले, पिछले फ्राइडे को। अच्छा, पिछले शुक्रवार। मतलब करीब करीब एक महीना हो गया? नहीं नहीं, ये लास्ट फ्राइडे। अच्छा, 3 दिन पहले, शुक्रवार को। अच्छा, 15 जुलाई। हाँ, 15 जुलाई। आप लोग जी, धन्यवाद। छक्का वाला लेगा तो 300 रुपये लगेगा। जैसा कि आपने तो एक मंदिर का दर्शन कर ही लिया, तो आइए, यहाँ पे हम एक बाबा को देख पा रहे हैं जो देख नहीं पा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? बाबू चांद। आप क्या करते हैं? हम मंदिर में रहते हैं। जैसे कि आपने सुना है, ये सूरदास हैं,